आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर सा चिकन सूप, जिसके लिए हम यहाँ पे ली है 10 ग्राम ब्रोकोली, 3 मीडियम साइज मशरूम, 20 ग्राम कैरेट, 1 स्मॉल साइज बेबी कॉर्न, 5 to 6 बेबी पोटैटो, 5 ग्राम रेड कैप्सिकम और ली है 25 ग्राम पपाया एंड 1 मीडियम साइज टमाटो। आप चाहे तो कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने ली है 25 ग्राम चिकन बोन एंड 1 ब्रेस्ट। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चॉप की हुई गार्लिक एंड जिंजर और डालेंगे थोड़ी सी सिनेमन एंड 2 ग्रीन चिली, फिर इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज अनियन और इसको थोड़ी सी चला के हम इसमें डालेंगे टमाटर, फिर इसको भी थोड़ी सी चला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे चिकन। और मैं यहाँ पे चिकन बोन यूज कर रही हूँ ताकि इसमें चिकन की जो पावरफुल स्मेल है वो आ जाए। आप चाहे तो सिर्फ ब्रेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हमारी चिकन व्हाइट कलर हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पपाया, बेबी पोटैटो, बेबी कॉर्न और गाजर और इसको चलाते हुए हम इसको भूनेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें कैप्सिकम और ब्रोकली डाल देंगे। मैं यहाँ पे सब सब्जियों को उनकी बॉयल होने के हिसाब से डाल रही हूँ। करीबन 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, फिर डालेंगे 3 कप पानी। 1.5 कप से ये सारी सब्जियाँ बॉयल हो जाएगी और बाकी की 1.5 सूप के लिए रह जाएगी। और पानी में जब एक बार बॉयल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे मशरूम। आप चाहे तो मशरूम को सब्जी भूनने की टाइम भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ी सी क्रंची खाना पसंद है इसीलिए मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ। अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। आफ्टर 10 मिनट हम इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर वाटर डाल देंगे और इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप नहीं डाले। और इसी टाइम पे हम ब्रेड को भी सेक लेंगे। आप चाहे तो कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं और ब्रेड में थोड़ी सी बटर भी लगा सकते हैं। और बोल में हम गर्मा गर्म सूप को निकाल लेंगे, थोड़ी सी लेमन जूस और पेपर के साथ परोसेंगे। और आज की ये सुंदर सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वातरूपा मिष्टी की हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाइए।